नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एक फैसला लिया गया था और उस फैसले में के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को जो मिलने वाला महंगाई भत्ता या DNS अलाउंस है वो 1 जुलाई 2017 से उसको 1% बढ़ा दिया है और उसका अब जो टोटल रेट है वो हो जाएगा 5%। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक प्रेस नोटिफिकेशन आपके सामने है, इसमें आज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को जो उनकी बेसिक पे के ऊपर मिलता है DNS अलाउंस, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको, और DNS रिलीफ जो दिया जाता है पेंशनर्स को, उसका रेट 1% बढ़ा दिया है और अब टोटल जो ओवरऑल DA या DR मिलता है उसका टोटल परसेंटेज हो गया 5%। यानी सभी पेंशनर्स और जो सेवारत कर्मचारी हैं उनको उनकी बेसिक पे का 5% DNS अलाउंस दिया जाएगा जुलाई 2017 से। तो जैसे कि इसके बारे में पहले भी हमने आपको बताया था कि इस बार जुलाई से जो DNS अलाउंस बढ़ेगा वो सिर्फ 1% ही बढ़ेगा और वही बात एक बार फिर से साबित यानी सही साबित हुई कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को जुलाई से सरकार ने सिर्फ 1% DNS अलाउंसेस दिया है और टोटल जो ओवरऑल DNS अलाउंस है वो हो जाएगा 5%। तो सरकार ने ये बोला है कि इसका फ़ायदा लगभग यानी 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख जो पेंशन भोगी हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ में इन्होंने यहाँ पे एक बात और बोली कि इस जो DNS को 1% बढ़ाने से इस पर सर जो टोटल सरकारी खजाने पर लगभग 3,068.26 इतने करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल या एक्स्ट्रा भार पड़ेगा सरकार पर। और ये जुलाई 2017 से लेकर 18 फरवरी 2018 तक सरकार को इतना इसके लिए एक्स्ट्रा सरकार पर बर्डन पड़ेगा। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट्स थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कि उनको जुलाई 2017 से 1% DNS और बढ़ के मिलेगा, यानी उनको टोटल पर जो DNS अलाउंस और DNS रिलीफ जो है वो अप हो गया टोटल 5%। और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2018 से भी केंद्रीय कर्मचारियों का जो DNS अलाउंस है उसमें 2% की वृद्धि होगी और लगभग वो हो जाएगा टोटल 5%, सॉरी 7%, ऐसा हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट्स थी सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। तो सूचना यदि यूजफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी अपडेटेड रहें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हम आपको जैसे ही कुछ नया आता है विद केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए वो हम आपको डालते रहते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार फिर से दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।